नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 7 इंची प्लेट जो कि मोमोस वाला है, वो 1 kg माल में कितना निकलता है। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि SGSM में 1 kg माल में कितना निकलता है, 100 GSM में कितना निकलता है और 120 GSM में कितना निकलता है। दोस्तों, जो लोग इस काम को करते हैं उन लोग को तो पता है कि 1 kg माल में कितना निकलता है, मगर जो लोग इस काम में नए हैं उन लोग को नहीं पता है। इसलिए हमारे WhatsApp पे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि सर 1 kg माल में कितना पीस निकलता है और कैलकुलेशन कैसे करें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को सारी जानकारी देने वाले हैं कि 1 kg माल में कितना पीस निकलता है और 7 इंच का प्लेट मोमोस वाली उसकी कैलकुलेशन कैसे करें, कितना एक पीस का पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 7 इंच का प्लेट एक पीस का आपको कितना रेट पड़ता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि इस तरह का नए नए वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 kg माल में 80 GSM का कितना पीस निकलता है। तो दोस्तों, 7 इंची का प्लेट 80 GSM में 1 kg माल में 350 पीस निकलता है। दोस्तों, 5-10 पीस ऊपर या नीचे हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि कभी कभी ख़राब होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, इसलिए ऊपर नीचे होता रहता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं 100 GSM में। तो दोस्तों, 100 GSM में आपका 1 kg माल में 300 पीस निकलता है। दोस्तों, क्योंकि बता दूँ आपको, जिस तरह आपका GSM बढ़ता है उसी तरह आपका पीस घटता है, इसीलिए जितना आपका GSM बढ़ेगा उतना ही पीस आपका घटेगा। और दोस्तों, आपको 120 GSM में कितना पीस निकलता है वो हम बताते हैं। दोस्तों, 7 इंच का प्लेट 120 GSM में 250 से 260 के बीच में निकलता है। और दोस्तों, ये तो आपका हो गया है 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM कि कितना निकलता है, ये आपका फाइनल हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि 80 GSM का एक पीस का कितने का रेट निकलता है और कितने में बेचे रिटेल में। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं 80 GSM का, 100 GSM का और 120 GSM के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहें और आपको हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि 80 GSM, 100 GSM और 120 GSM का कितने का बेचे मार्केट में, जो कि रिटेल में बनता है, बिकता है। तो आइए दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि रिटेल में 7 इंची का प्लेट मोमोस वाली कितने का बेचते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे 80 GSM का। दोस्तों, इस समय 80 GSM का 62 रुपये kg माल चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये तो 62 रुपये kg माल हो गया है, रिटेल में हमारा 45% का होता है तो हमारा 107 रुपये किलो हो गया है। तो दोस्तों, हम 107 रुपये को हम भागा देंगे 350 पीस से। देखिए, हमारा ये 30.57 पैसा का एक पीस होता है। तो दोस्तों, इससे गुना करेंगे। दोस्तों, यहाँ गुना करने के बाद आप वहाँ पे वो डालिएगा जितने की आपकी पैकिंग चलती है। हमारे यहाँ तो 25 का 24 का पीस चलता है या फिर 22 का, हमारे यहाँ ज़्यादा बिकती होती है 22 पीस का। तो आपको 22 पीस से कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, 22 पीस का 80 GSM 6.72 रुपये का हमारा होता है। तो इसे हम आराम से 6.5 रुपये में, 6.75 रुपये में आराम से हम इसे बेच सकते हैं 80 GSM का। देखा दोस्तों, एक पैकेट 22 पीस का हमारा 6.5 रुपये का जाता है। अगर मान लीजिए आपका 25 पीस का पैकिंग होता होगा तो 7.64 रुपये का होता है एक पैकेट। तो दोस्तों, ये तो आपका 7 इंच का हो गया है 80 GSM का। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 100 GSM का कि इस समय 100 GSM क्या चल रहा है। तो दोस्तों, इस समय 100 GSM का सिल्वर में 60 रुपये kg माल चल रहा है। तो दोस्तों, हम इसमें प्रॉफिट लेंगे अपना 45%, तो हमारा 105 रुपये kg हो गया है। तो इसको हम भागा देंगे 300 पीस से, तो हमारा 35 पैसा का एक पीस हो गया है। तो गुना करेंगे हम इसे 22 पीस से, तो हमारा 7.07 रुपये का हमारा एक पैकेट होता है। और अगर हमारा 25 पीस का पैकिंग हो तो इसे हम 25 से कर देंगे, तो 8.75 रुपये हमारा हो गया है 100 GSM का। दोस्तों, इसी तरह जितने की आपकी पैकिंग होती है आप यहाँ पे उतना डाल सकते हैं, तो आपका रेट आ जाएगा और आपका पीस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हमारा हो गया 100 GSM का भी। अब हम कैलकुलेशन करते हैं 120 GSM का कि 120 GSM का क्या रेट चलता है। तो दोस्तों, इस समय 58 रुपये kg हमारा 120 चल रहा है।
तो प्लस में हमारा 45%। दोस्तों याद रखिएगा, ये हम आपको रिटेल में बता रहे हैं जो कि आप ठेले पर जाके इसको बेच सकते हैं। तो दोस्तों 103 रुपये के जी हमारा ये हो गया है रिटेल में, तो इसे भागा देंगे 250 पीस से, 250 पीस, क्योंकि आपको बताया था कि जितना GSM बढ़ेगा उतना ही पीस घटेगा। तो हमारा ये 120 GSM का है 250 पीस के, जो कि 412 पैसे का एक पीस होता है। तो इसे गुना हम करेंगे 22 पीस से, तो हमारा 964 पैसे का एक पैकेट होता है जो 22 पीस बिकता है। अगर आपका 25 पीस का हो तो यहाँ 25 कर दीजिए, तो हमारा 10 रुपये 3 पैसा हो जाएगा। अगर आपका 24 पीस का हो तो यहाँ 24 कर दीजिए, तो 9 रुपये 88 पैसा हो जाएगा। तो दोस्तों कैलकुलेशन इसी तरह की जाती है, जितने पीस का होता है उतना ही पीस का कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों देखा हम कैलकुलेशन किए, तो एक पीस का 22 पीस का जितना आपकी पैकिंग होती है उतना पीस का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने जान लिया है कि कितने पीस का बिकता है। तो दोस्तों देखे आपने किस तरह कैलकुलेशन की जाती है। दोस्तों जो हमने आपको कैलकुलेशन करके बताया है वो आपको रिटेल में बेचना है। अगर आप होलसेलर में बेचिएगा तो आपको रेट कम हो जाएगा, आप प्रॉफिट कम लगाएंगे तो आपका सेल ज़्यादा होगा। और अगर रिटेल में आप बेचते हैं तो 45% 40% के हिसाब से बेचते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा इस बिजनेस में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी, आपको कैलकुलेशन में पता लग गया होगा कि किस तरह कैलकुलेशन की जाती है। दोस्तों अगर आप इस तरह कैलकुलेशन करते हैं तो 1 महीने के अंदर 1-2 महीने के अंदर आप अपने मार्केट के बादशाह बन सकते हैं। और दोस्तों आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है, दोस्तों वो गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं या फिर करने वाले हैं, अगर आप लोग करते हैं तो अगर आप लोग की मशीन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, हम आपकी फ्री में हेल्प कर देंगे। दोस्तों हम आपके लिए इसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेंगे। और दोस्तों किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी फुल सहायता करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।